नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोल के एक चैप्टर है, उस चैप्टर का कुछ कंटेंट मैं कवर करने वाला हूँ। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस उसके ऊपर डाले हैं, ड्रॉ करके भी दिखाए हैं मैंने उस बहुत सारे। अभी मैं क्रियो का यूज़ करके कुछ कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ये ऐसे कंपोनेंट ड्रॉ करके मैंने एक्चुअल वो फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, उसके बारे में बताया। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट का ये डायरेक्शन दिया है एक्स डायरेक्शन। ये डायरेक्शन से आपको देखना है फ्रंट व्यू में, तो आपको क्या दिखेगा, ये ए वाला पोर्शन दिखेगा पूरा, उसके साथ एफ दिखेगा, ठीक है, बस ये दो ही दिखेंगे। तो वही आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। मैंने एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। ये डायरेक्शन में आपको फ्रंट व्यू देखना है इसका, आप देखिए, आपको बस ये दिखेगा और ये दिखेगा। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट में दिखाई दे रहा है आपको ये पोर्शन और ए और एफ दिखेगा, तो वही मैंने यहाँ पे आपको क्या किया है एक्चुअल। ये देखो, ये जो कलरफुल है ये ए है और ये जो है वो एफ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये डायरेक्शन से देखोगे तो आपको ए और एफ दिखेगा। अभी टॉप व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू अगर ये ऑब्जेक्ट को आप 90 डिग्री आपकी तरफ टिल्ट करते हो, मतलब ए पे उसको लैंड करते हो, तो क्या होगा, बी दिखेगा, उसके बाद ई वाला पोर्शन दिखेगा और जी वाला पोर्शन दिखेगा, इंक्लाइंड पोर्शन दिखेगा। तो सेम ये ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, अभी आपकी तरफ 90 डिग्री ऐसे टिल्ट कर लेता हूँ। आपकी तरफ ऐसे 90 डिग्री टिल्ट किया तो क्या हुआ, ये वर्टिकल आया, ठीक है, ये पोर्शन आया और उसके साथ ये पोर्शन भी दिख रहा है आपको। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, उसको वो ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। ये देखिए, ये वाला पोर्शन हो गया, ये और ये पोर्शन। बस ऐसे मैंने कुछ 3D व्यू बना के आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे बच्चों को इमेजिनेशन का प्रॉब्लम होता है, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।